गाइस मूवी शूट करना एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कमाल की वीएफएक्स वाली मूवीज की किस तरीके से बिहाइंड द सीन बनाई जाती है यह देखने में काफी मजा आता है। और आज हम आपको 5 मूवीज के कुछ ऐसे ही बीटीएस दिखाने वाले हैं जो कि सच में काफी माइंड ब्लोइंग है। और ऑफ कोर्स यार व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो इंटरेस्टिंग तो होगी ही ना। अच्छा KGF इस फिल्म के कोई स्पेसिफिक वीएफएक्स क्लिप तो नहीं है क्योंकि इस फिल्म में भी पुष्पा के यंत्र पर छोटे मोटे जगह पर वीएफएक्स का यूज किया गया है। जैसे कि इसके सेट को काफी हल्के वीएफएक्स के साथ साथ इसको रियल लाइफ में भी बनाया गया था। और जैसे कि ये तो आपको पता ही होगा कि KGF में जो अधीरा एंड बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो वाइकिंग सीरीज एंड काफी रेसिन गैंगस्टर वाली सीरीज से ही इंस्पायर्ड हैं। बट यार क्या तुम्हें ये पता है कि कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग KGF का जो म्यूजिक है ना उसकी भी इंस्पिरेशन हाल ही में आए अवतार मूवी के फर्स्ट पार्ट जो कि 2009 में रिलीज हुई थी उसके बैकग्राउंड म्यूजिक से ली गई है। और यार इसके एडिटिंग में एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई है वो है इसकी कलर ग्रेडिंग। मतलब भाई ये एडिटिंग क्या ही डार्क वाइब देती है। RRR राजमौली सर की फिल्म RRR ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि उसके बाहर भी काफी नाटू नाटू मचाया है। यहाँ तक कि RRR को एक ऑस्कर भी मिला है। और गाइस इसका VFX भी काफी कमाल का था जिसके अभी हम बिहाइंड द सीन को देखने वाले हैं। जैसे कि यह जो लाइन वाला सीन है हाँ भाई जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। इसमें लाइन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था लेकिन यार इसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई थी। जैसे कि इसे 3 अलग अलग पार्ट में शूट किया गया था। राजमौली सर ने खुद लाइन के मूवमेंट को एक्ट करके भी बताया था और उसके बाद एक ग्रीन कलर के लाइन डमी को यूज किया गया था VFX को बनाने के लिए। और वह यही कि राजामौली सर की फिल्में बनने में इतना ज्यादा टाइम लगती हैं क्योंकि भाई लिटरली ये काफी एक्यूरेटली तरीके से अपनी मूवीज को बनाते हैं। फिर मूवी के अंदर जो यह एक सीन था जिसमें NTR एक तेंदुए को फेंक देते हैं उसे बनाने के लिए लिटरली बस एक वॉलीबॉल का यूज किया गया था जिसे NTR ने ऐसे फेंका था और जिसे VFX टीम ने ऐसे में बदल दिया था। और भाई इस वाले कमाल के सीन को हम कैसे भूल सकते हैं जो कि भाई मेरे हिसाब से तो पूरी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। इस सीन की फाइट काफी कमाल की थी और इसके बिहाइंड द सीन को कुछ ऐसे शूट किया गया था। और राम भाई की जो घोड़े वाली एंट्री थी ना जिसमें सिर्फ 2 घोड़ों से 4 घोड़ों को CGI की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। यारो इसमें सिर्फ घोड़ों का मॉडल ही नहीं बल्कि उसके स्केलेटन को भी एनिमेट किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस इस आइकॉनिक मूवी की अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो इसकी यह जो स्टार्टिंग वाली सीन है ना जिसमें शाहरुख खान अपनी दादी से बात कर रहे होते हैं यह पूरी तरीके से VFX से बनाया गया था क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इसके आगे का बैकग्राउंड कितना ही ज्यादा अलग है। इसके बाद यार अगर ट्रेन वाली सीन की बात की जाए तो उसकी भी मोस्टली शूटिंग स्टूडियो में नहीं बल्कि प्रॉपर ट्रेन स्टेशन पर शूट किया गया था जिसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर ने अलग से परमिशन ले रखी थी। और यार इस मूवी में काफी ऐसे भी सीन्स हैं जो कि काफी क्रेजी थे तो वो तो ट्रेन में शूट होने से रही और जिसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर्स ने ये अलग से बर्थ भी बनवा रखा था जिसमें कई सारे क्रेजी सीन्स को शूट किया गया था जैसे कि TC को बाहर फेंकने वाला और शाहरुख खान को धमकाने वाला। सिंग डांस नाम इप्पो पोरो चेन्नई एक्सप्रेस ले। वैसे यार मूवी में एक सीन है जहाँ उस सिचुएशन को बखूबी बताया गया है जब किसी शरारत में हमें हमारा दोस्त फंसाने की कोशिश किया करता था। देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ सर हिंदी। अरे वो तो हम भी बोल सकते हैं। सुनो ये हिंदी बोला ना ए? क्या है हम सब हिंदी बोलते हैं सर। ये हमारा आदमी और तू मेरी औरत है साले। पुष्पा वैसे तो पुष्पा मूवी को शूट करने में काफी कम VFX का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि डायरेक्टर्स इस मूवी को रॉ एंड रियल टच देना चाहते थे लेकिन यार ऑब्वियस ही बात है आजकल अच्छी एडिटिंग और CGI के बिना मूवी थोड़ी लगती है। इसलिए ये जो सीन है जिसमें ट्रक पानी के गड्ढे में जाता है और अल्लू अर्जुन ट्रक से कूद के गिरते हैं वो लगभग पूरा ही VFX के हेल्प से बनाया गया था। यार तुम ये भी देख सकते हो कि कैसे ट्रक के 3D मॉडल को बनाकर उसका क्या ही परफेक्ट यूज किया गया है। भाई ये ट्रक तो ठीक था बट ये लाल चंदन में पैसे तो खर्च हुए होंगे ना। अरे नहीं छोटे CGI की टीम ने इनका यहाँ भी पैसा बचा लिया क्योंकि पूरी मूवी में जितने भी लगभग लाल चंदन को दिखाया गया है वो बस हवा हवाई फोम से बना है। अब यार इसी इंटरेस्टिंग नॉलेज पर वीडियो को तो लाइक करना बनता है ना सो जरा टाइम निकाल के लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के भी बहुत ही करीब हैं। सो टिंग टिंग ब्रह्मास्त्र इसे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट VFX मूवी कहा जाता है क्योंकि इसमें भर भर के तो शिवा भर के CGI एंड VFX का यूज किया गया है। वैसे टोटल इसमें 102 बार आलिया ने शिवा बोला था। ओके बैक टू द पॉइंट अगर आप इसके बिहाइंड द सीन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग सारे ही चीजों को ब्लू बैकग्राउंड में शूट किया गया है ताकि हर जगह VFX का अच्छे से यूज किया जा सके। और यार इसके सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था जिसके नीचे घास को उगाया गया था और जिसमें 5-6 अलग अलग सेक्शंस थे बैकग्राउंड एनवायरनमेंट से लेकर सुपर पावर्स तक। यहां तक लाइटिंग में भी काफी हद तक VFX एंड CGI का यूज किया गया था जैसे कि आप इन क्लिप्स को देखकर समझ ही पा रहे होंगे किस तरीके से सिंपल में शूट करके इसमें करोड़ों फूंका गया है। वैसे यार अब इतने माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना।
व्हाई यू नो यूज द डोर नेक्स्ट टू यू। अरे भाई सही बात है, इस वाले दरवाजे पर चढ़कर भी तो ये यहाँ तक पहुँच ही सकते थे। सांभा गंदे तू गंदा, अबे नमक हराम गंदे गन। अरे भाई बिगेस्ट VFX इन धूम 3 मेकिंग आमिर खान टॉलर देन कटरीना। सही बात भाई, ये तो चिटिंग हो गई भाई। मूवी में वो टेबल भी दिखाना चाहिए था जिस पर आमिर खान खड़े थे। Once Ompuri come late in school, all boys said, "Om late aaya, om late aaya." भाई इनको all boys नहीं, the boys बोलो। वैसे इस बार में तुम्हारे क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये दो वीडियोस हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।